वेलकम टू प्रेशा लॉ ट्यूटोरियल। हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो लेक्चर सीरीज़ लीगल एथिक्स एंड कोड क्राफ्ट सब्जेक्ट पर हमारी चल रही है और उसमें हमने लास्ट में सेक्शन 35 ऑफ़ द एडवोकेट एक्ट को कंप्लीट किया था और आज हम सेक्शन 36 से लेकर 42 ऑफ़ द एडवोकेट एक्ट 1961 के प्रोविजंस को पढ़ेंगे। सो सेक्शन 36 टू 42 ऑफ़ द एडवोकेट एक्ट 1961। इस एक्ट में सेक्शन 36 से 42 में BCI मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल की डिसिप्लिनरी कमेटी से रिलेटेड रोल, पावर एंड प्रोसीजर को आउटलाइन करते हैं ये सेक्शंस। ये कमेटीज़ मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के एक्यूज एडवोकेट्स के अगेंस्ट कंप्लेन को एड्रेस करने और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे सेक्शन 36 डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ द BCI मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया की डिसिप्लिनरी कमेटी को हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आता है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें हम पढ़ेंगे कंपोजिशन मतलब डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ द बार काउंसिल इंडिया में बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंटेड मेंबर्स होते हैं। इसमें आमतौर पर एक चेयरपर्सन और लीगल एक्सपर्टाइज वाले अदर मेंबर्स इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट आता है पावर। डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की जो पावर है वो इन दोनों कमेटीज़ पास होती है। कमेटी के पास ऐसे एडवोकेट्स के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की अथॉरिटी है जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए गिल्टी होते हैं या गिल्टी पाए गए हैं। इसमें सेंसर मतलब कि निंदा करना, सस्पेंशन या एडवोकेट्स की रोल से रिमूव करना जैसी पेनल्टीज़ को इम्पोज करना इंक्लूड है। देन नेक्स्ट आता है प्रोसीजर। प्रोसीजर में आता है इसमें इंक्वायरी, कमेटी कंप्लेंट्स और मिसकंडक्ट के एलिगेशंस की इंक्वायरी करती है। यह ऐसी प्रोसीजर को फॉलो करते हैं जो फेयर हियरिंग एंश्योर करते हैं, जिससे रिलेटेड एडवोकेट को चार्जेस का जवाब देने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। देन नेक्स्ट आता है सेक्शन 37 डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ स्टेट बार काउंसिल। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कंपोजिशन। ईच स्टेट बार काउंसिल की अपनी डिसिप्लिनरी कमेटी होती है जो स्टेट लेवल पर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की कंप्लेंट्स की इंक्वायरी और डिसीजन लेने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। देन नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसमें पावर्स। डिसिप्लिनरी एक्शन लेती है ये मतलब कि स्टेट बार काउंसिल की डिसिप्लिनरी कमेटी अपने फाइंडिंग्स के बेस पर सेंसर मतलब निंदा करना, सस्पेंशन ये और एडवोकेट के रोल से रिमूव करना जैसी डिसिप्लिनरी एक्शन कर सकती है। मतलब जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल के जो भी पावर हैं वो सेम हैं। देन नेक्स्ट आता है प्रोसीजर्स, इंक्वायरी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की डिसिप्लिनरी कमेटी के समान स्टेट बार काउंसिल की कमेटी इंक्वायरी करती है और एक फेयर प्रोसेस इंश्योर करती है जिसमें एडवोकेट को अपना बचाव प्रेजेंट करना अलाउ होता है। मतलब एडवोकेट अपना डिफेंस प्रेजेंट कर सकता है। देन नेक्स्ट आता है सेक्शन 38 पावर ऑफ डिसिप्लिनरी कमेटी। सो फर्स्ट इसमें आता है इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट्स। सो इसमें जो अथॉरिटी है मतलब डिसिप्लिनरी कमेटी स्टेट और नेशनल दोनों लेवल पर ये जो कमेटीज़ हैं वो एडवोकेट्स के अगेंस्ट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की कंप्लेंट्स की इंक्वायरी करने की अथॉरिटी रखते हैं। देन नेक्स्ट आता है समनिंग एंड एग्जामिनिंग। सो फर्स्ट में बात करेंगे हम विटनेस एंड डॉक्यूमेंट्स की। कमिटी विटनेस को बुला सकती है और डॉक्यूमेंट का रिक्वेस्ट कर सकती है और एविडेंस गैदर करने और केस के फैक्ट्स को एस्टैब्लिश करने के लिए इंक्वायरी कर सकती है। देन नेक्स्ट आता है डिटरमाइनिंग पेनल्टीज़। तो सो इसमें आता है सैंक्शन। अपने फाइंडिंग्स के बेस पर कमेटी के पास मिसकंडक्ट के दोषी मतलब गिल्टी पाए गए एडवोकेट के लिए अप्रोप्रिएट पेनल्टीज़ और सैंक्शन डिटरमाइन करने की पावर इन कमेटीज़ को है। देन नेक्स्ट आता है सेक्शन 39 प्रोसीजर फॉर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। सो फर्स्ट इसमें बात करेंगे हम फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट, जिसका प्रोसेस है कि एडवोकेट्स के अगेंस्ट कंप्लेंट रिलेवेंट बार काउंसिल की डिसिप्लिनरी कमेटी के पास फाइल की जाती है, जिसके बाद कमेटी प्रिस्क्राइब प्रोसीजर के अनुसार इन कंप्लेंट्स पर कार्रवाई करती है। देन नेक्स्ट आता है कंडक्ट ऑफ इंक्वायरी, जिसके अंदर फेयर हियरिंग आता है। कमेटी फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने वाले तरीके से इंक्वायरी करती है, जिससे एडवोकेट्स को अपना बचाव करने और अपना केस प्रेजेंट करने का चांस मिलता है। देन नेक्स्ट आता है रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशन।
सो इसमें आता है फाइंडिंग्स। इंक्वायरी पूरी करने के बाद कमेटी बार काउंसिल को डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए अपने फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशन के साथ एक रिपोर्ट सबमिट करती है। देन नेक्स्ट आता है सेक्शन 40, अपील अगेंस्ट ऑर्डर। सो फर्स्ट इसमें हम बात करेंगे अपील टू बार काउंसिल ऑफ इंडिया। सो इसका प्रोसेस है कि स्टेट बार काउंसिल की डिसिप्लिनरी कमेटी के डिसीजन से डिससेटिस्फाइड एडवोकेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया की डिसिप्लिनरी कमेटी में अपील कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है रिव्यू एंड डिसीजन। इसमें आता है अथॉरिटी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की कमेटी अपील की रिव्यू करती है और स्टेट बार काउंसिल के डिसीजन की कन्फर्म, मॉडिफाई और ओवरटर्न मतलब उसे पलट सकती है। देन नेक्स्ट आता है सेक्शन 41, पावर टू रिमूव अ सस्पेंड एडवोकेट। सो इसमें आता है सस्पेंशन एंड रिमूवल के बारे में प्रोविजंस। तो अथॉरिटी मतलब स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया दोनों की डिसिप्लिनरी कमेटी को सीरियस मिसकंडक्ट का दोषी मतलब गिल्टी पाए जाने पर एडवोकेट को सस्पेंड करने या प्रैक्टिस से रिमूव करने की पावर इन दोनों कमेटीज़ के पास है। देन नेक्स्ट आता है टेम्प्रेरी मेज़र सस्पेंशन। सस्पेंशन आमतौर पर एक टेम्प्रेरी मेज़र होता है जबकि रिमूवल एक मोर परमानेंट सेंक्शन होता है। देन नेक्स्ट आता है सेक्शन 42, प्रोसीजर फॉर रिमूवल फ्रॉम रोल। सो इसमें आता है नोटिफिकेशन रिकॉर्ड। इसका प्रोसेस है जब किसी एडवोकेट को रोल से हटाया जाता है तो उसका नाम स्टेट बार काउंसिल द्वारा बनाए गए रोल से हटा दिया जाता है और यह एक्शन रिकॉर्ड भी किया जाता है। देन नेक्स्ट आता है इम्पैक्ट ऑन प्रैक्टिस। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, रोल से हटाए जाने पर एडवोकेट इंडिया में प्रैक्टिस ऑफ लॉ मतलब जो इंडिया में प्रैक्टिस करता है उसके लिए वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। देन लास्ट में आता है कॉन्क्लूजन, एडवोकेट एक्ट 1961 सेक्शन 36 से 42 तक जो भी ये सेक्शंस हैं इन सेक्शंस में स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की डिसिप्लिनरी कमेटी के थ्रू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट को हैंडल करने के लिए एक कॉम्प्रेंसिव फ्रेमवर्क देता है। ये सेक्शंस कंप्लेंट की इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी करने और डिसिप्लिनरी एक्शन करने के लिए रोल, पावर एंड प्रोसीजर को आउटलाइन करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि एडवोकेट को उनके प्रोफेशनल कंडक्ट के लिए अकाउंटेबल मतलब जवाबदेह ठहराया जाए। लीगल प्रोफेशन की इंटीग्रिटी और एथिकल स्टैंडर्ड्स को बनाए रखने के लिए ये दोनों कमेटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सो आज हमारे टॉपिक सेक्शन 36 से लेकर 42 तक के जो सेक्शंस हैं वो यहीं पर ही कंप्लीट होते हैं। सो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ जिसमें हम ड्यूटी ऑफ एडवोकेट के बारे में पढ़ेंगे कि एडवोकेट के लिए जो ड्यूटी ऑफ एडवोकेट है वो कोर्ट के लिए क्या है, क्लाइंट्स के लिए क्या है, अपोनेंट्स के लिए क्या है, कलीग्स के लिए क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सब टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फॉर मोर वीडियोज़ वॉच, स्टडी, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।